हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। 27 जुलाई का करंट अफेयर्स मैं प्रस्तुत नहीं कर पाया था, इसलिए 27 और 28 जुलाई दो दिन का करंट अफेयर्स मैं इसी एक वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। आज तारीख है 28 जुलाई 2018 और आइए शुरू करते हैं 27 और 28 जुलाई का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है? सही जवाब है इसका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में यह विधेयक पारित किया गया है 26 जुलाई 2018 को। इस विधेयक की खास बात ये रहेगी कि जो मुख्यमंत्री होगा वो लोकायुक्त के प्रभाव से बाहर रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकायुक्त विधेयक कहाँ पे पारित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब होगा ऑप्शन बी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवी कामत। ठीक है, केवी कामत इसके पहले जो है प्रेसिडेंट भी हैं, केवी कामत। और आपको बता दें कि ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक बैंक बनाया था जिसको नाम दिया था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, अब वही बैंक जो होगी उसका नया नाम कर दिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। और इसकी जब स्थापना हुई थी तो वह ब्राज़ील में हुई थी, लेकिन फिलहाल इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में है। चाइना में कहाँ पर है? संघाई में है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो केवी कामत थे और अब भी इसके केवी कामत ही इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10वें ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ? अभी हाल ही में ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक सम्मेलन हुआ है और अगर क्रम से देखें तो ये 10वां सम्मेलन था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ ये सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ पे पड़ता है? साउथ अफ्रीका में। ओके, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 किस घोषणा के साथ समाप्त हुआ है? ऑब्वियसली ये ऑप्शन बी सही होगा, जोहान्सबर्ग घोषणा, क्योंकि ये जो 10वां सम्मेलन था वह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है जोहान्सबर्ग घोषणा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। रामन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी कहते हैं, इस वर्ष के विजेता का नाम है सोनम वांगचुक। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता का नाम है सोनम वांगचुक। यहाँ पे सवाल है कि सोनम वांगचुक किस कार्यक्रम से जुड़े हैं? और सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑपरेशन न्यू होप, ऑपरेशन नई आशा। ठीक है, साझेदारी से संचालित शैक्षणिक सुधार कार्यक्रम को विस्तार और समेकित करने के लिए ऑपरेशन न्यू होप लॉन्च किया गया था। सोनम वांगचुक को आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और प्रगति का रचनात्मक प्रयोग करते हुए लद्दाखी युवाओं की जिंदगी सुधारने के लिए जाना जाता है। ठीक है, सोनम वांगचुक जुड़े हुए हैं ऑपरेशन नई आशा, ऑपरेशन न्यू होप से। 6वीं भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक किस स्थान पर हुई? सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में कब हुई थी? 26 जुलाई को। अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक किसे बनाया गया है? चार विकल्प हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए, आर रमणन, आर रमणन। ठीक है, माई गवर्नमेंट के CEO अरविंद गुप्ता ने 26 जुलाई 2018 को वेबसाइट इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म, ये वेबसाइट है, इसको उन्होंने लॉन्च किया है। लोकसभा ने व्यक्ति दुर्व्यापार विधेयक 2018 पारित किया है जिसमें पुनर्वास निधि के रूप में कितनी राशि मंजूर की गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 करोड़ रुपए। ठीक है, 10 करोड़ रुपए। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? सही जवाब है 26 जुलाई को। 1999 में 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान को कारगिल में हराया था, भारत ने पाकिस्तान को कारगिल में हराया था, तभी से प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस बल्लेबाज ने अंडर 19 क्रिकेट टेस्ट में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पवन शाह। ठीक है, हम्बन टोटा में श्रीलंका के साथ अंडर 19 क्रिकेट टेस्ट मैच में युवा बल्लेबाज पवन शाह ने 282 बनाए, यह अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। कबीरा त्यौहार 2018 की मेजबानी कौन सा शहर करने जा रहा है, यानी कि कबीरा त्यौहार का आयोजन किस शहर में होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, वाराणसी।
वाराणसी में इसका आयोजन होगा 16 नवंबर को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीरा त्यौहार। विकलांगता सूची में एसिड अटैक पीड़ितों को शामिल करने वाला राज्य कौन सा राज्य है? विकल्प बी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने शामिल किया है विकलांगता सूची में जितने भी एसिड अटैक पीड़ित हैं उन लोगों को भी, और उनको अब मध्य प्रदेश दिव्यांग अधिनियम 2016 के अंतर्गत जो भी लाभ प्राप्त होते हैं दिव्यांगों को वो सारे लाभ प्राप्त होंगे एसिड अटैक पीड़ितों को भी। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2018 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चोउ टियन चेन। ये खिलाड़ी हैं कहाँ के? ताइवान के। 22 जुलाई को उन्होंने यह प्रतियोगिता जीती है सिंगापुर ओपन 2018 पुरुष एकल वर्ग। ठीक है, कोयला इंडेक्स की सिफारिश करने वाले उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्युष सिंह। ठीक है, प्रत्युष सिंह ने जो समिति गठित की है, प्रत्युष सिंह की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई है उसको कहा जाता है प्रत्युष समिति। इस समिति ने कोयला ब्लॉक के मूल्य निर्धारण के लिए कोयला इंडेक्स की सिफारिश की है। ठीक है, और फ्रेंड्स आज का सवाल रहेगा यहाँ पे द धोनी टच अनरिवलिंग द एनिग्मा दैट इज महेंद्र सिंह धोनी, एक किताब है, यह किताब किसने लिखी है? चार विकल्प हैं, भरत सुदर्शन, बी भरत नायर, सी नयन सुदर्शना, डी अन्य कोई। ठीक है, तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके जवाब की मैं प्रतीक्षा रहेगी। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सेम टाइम पर सेम चैनल पर करंट अफेयर्स के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का इस चैनल से जुड़ने के लिए और इस चैनल को अपना सहयोग देने के लिए।